अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा तारदीम आज़रबैजान बाकू से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अक्सर मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूँ, व्लॉग्स भी बनाता रहता हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं थोड़ा सा जो ना अनटच हूँ यूट्यूब चैनल के साथ। आज़रबैजान व्लॉग्स मैं ये मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा न्यू चैनल होगा राजा ताहिर ब्राज़ील वाले, वो भी आप देखिएगा। उस पर मैं ब्राज़ील के हवाले से वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँगा। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना ब्राज़ील का वीज़ा जो है ना वो लग चुका है, तकरीबन एक साल हो गया लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। ये मेरा ब्राज़ील का वीज़ा है, 5 साल मल्टीपल, टाइम नहीं था, मैं नहीं जा सका। इसके अलावा मेरा जो है ना वो जापान का भी वीज़ा लगा था, मैं वहाँ भी नहीं जा सका, टाइम नहीं मिला। इसके अलावा मेरा जो है ना वो मैक्सिको का भी वीज़ा लगा था, ये भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, टाइम नहीं मिला जाने का। लेकिन इंशाल्लाह जल्द मैं ब्राज़ील जा रहा हूँ, और ब्राज़ील जाकर मैं कोशिश करूँगा वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ जो है ना वो अपलोड कर सकूँ, और उसकी शॉर्ट्स वीडियो और दूसरी तीसरी जो भी वीडियोज़ होंगी। और लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो है ना वो ज़्यादा वीडियो जो है ना राजा ताहिर ब्राज़ील वाले न्यू चैनल जो बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल, उसका मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि ताहिर नदीम इन्फो टीवी पे जो ना आलरेडी मैं आज़रबैजान और दूसरे व्लॉग्स बना रहा हूँ, और आज़रबैजान व्लॉग्स पर मैं सिर्फ आज़रबैजान की वीडियो ही ज़्यादा अपलोड किया करूँगा, लेकिन ब्राज़ील के हवाले से मैं न्यू चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि ब्राज़ील पहुँचने के बाद क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के खाने और दूसरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के हवाले से वो मैं अपलोड करूँगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जो है ना अपने मकसद में कामयाब रहूं। आप मेरी सारी फैमिली हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आप हमेशा मेरे जो है ना वो अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो यूट्यूब कम्युनिटी एक फैमिली होती है, और मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरी इन वीडियो की वजह से आपको इसका फ़ायदा पहुँच सकें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।